नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। दोस्तों, संपादकीय विभाग यानी एडिटोरियल डिपार्टमेंट किसी भी समाचार पत्र का दिल होता है। संपादकीय विभाग के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक फील्ड और दूसरा डेस्क। फील्ड में रिपोर्टर्स काम करते हैं और डेस्क पर एडिटर्स। आज हम आपको बताएंगे संपादकीय विभाग की रिपोर्टिंग टीम के बारे में। रिपोर्टिंग टीम जहाँ काम करती है उसे ब्यूरो ऑफिस भी कहा जाता है। अगर इस टीम की हायरार्की पर एक नजर डालें तो ब्यूरो ऑफिस में चीफ रिपोर्टर सबसे सीनियर व अनुभवी होता है और टीम का नेतृत्व करता है। फिर सीनियर रिपोर्टर, उसके बाद रिपोर्टर, जूनियर रिपोर्टर, ट्रेनी रिपोर्टर और फिर स्ट्रिंगर। इसी टीम में फोटो जर्नलिस्ट की भूमिका भी अहम रहती है। कई बार ब्यूरो ऑफिस में स्पेशल असाइनमेंट्स के लिए स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट को भी रखा जाता है। आमतौर पर देश व राज्यों की राजधानी व बड़े शहरों में ही ब्यूरो ऑफिस में विशेष संवाददाता रखे जाते हैं। आइए अब ब्यूरो ऑफिस की कार्यप्रणाली या फंक्शनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। ब्यूरो ऑफिस में दिन की शुरुआत होती है रूटीन मीटिंग से। प्रतिदिन होने वाली इस मीटिंग में ब्यूरो ऑफिस के सभी साथी हिस्सा लेते हैं। इस मीटिंग में सभी समाचार पत्रों की समीक्षा की जाती है। इस बात पर मंथन होता है कि हमारी टीम कौन सी खबरों की कवरेज में आगे रही और कौन सी ऐसी खबरें रही जिनकी कवरेज के मामले में हम दूसरे समाचार पत्रों से पीछे रहे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होती है कि आज शहर में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम होने हैं और इन्हें कैसे कवर किया जाना है। रूटीन की खबरों के अलावा प्रत्येक समाचार पत्र की अपनी एक्सक्लूसिव खबरें भी होती हैं। इस बैठक में सभी साथी मिलकर एक्शन प्लान तैयार करते हैं। सभी रिपोर्टर्स अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं और एक टीम के रूप में कार्य करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इस बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है उसकी रिपोर्ट डेस्क को भी भेजी जाती है। सुबह की मीटिंग के बाद सभी रिपोर्टर खबरें कवर करने के लिए फील्ड में जाते हैं। दिन भर खबरें कवर करने के बाद दोपहर बाद वापस ऑफिस पहुंचते हैं। शाम को ब्यूरो ऑफिस में फिर मीटिंग होती है। सुबह की प्लानिंग के अलावा फील्ड में अगर कहीं कोई खास समाचार मिला हो तो उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा होती है। इस बैठक के बाद दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की सूची डेस्क को भेजी जाती है। शाम की बैठक के बाद रिपोर्टर समाचार लिखते हैं और सभी समाचार डेस्क पर भेज दिए जाते हैं। ब्यूरो ऑफिस की दिन भर की कार्यप्रणाली को समझने के बाद आइए अब एक नज़र डालते हैं ब्यूरो में काम करने वाले साथियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर। सबसे पहले आते हैं चीफ रिपोर्टर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सभी रिपोर्टर साथियों के साथ बैठक करना, उनमें काम बांटना, उनसे कोऑर्डिनेट करना, समाचार पत्रों की समीक्षा करना, मॉर्निंग मीटिंग में डे प्लान तैयार करना और महत्वपूर्ण खबरों की कवरेज करना चीफ रिपोर्टर की अहम जिम्मेदारी है। वह समय समय पर रिपोर्टर्स का मार्गदर्शन करता है और डेस्क के साथ भी लगातार कम्युनिकेट करता है। अब बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर की। ब्यूरो चीफ की अनुपस्थिति में सीनियर रिपोर्टर ब्यूरो प्रमुख की जिम्मेदारी संभालता है। अक्सर सीनियर रिपोर्टर के जिम्मे क्राइम, हेल्थ या पॉलिटिक्स जैसी महत्वपूर्ण बीट रहती है। रिपोर्टर व जूनियर रिपोर्टर की बात की जाए तो ये अपनी अपनी बीट कवर करते हैं और एक्सक्लूसिव खबरों पर भी लगातार काम करते रहते हैं। ट्रेनी रिपोर्टर सबसे कम अनुभवी होते हैं। ब्यूरो प्रमुख या सीनियर रिपोर्टर से जो असाइनमेंट मिलता है उस पर ट्रेनी काम करते हैं। कई बार किसी बड़ी खबर को कवर करने के लिए सीनियर रिपोर्टर के साथ भी इन्हें भेज दिया जाता है। इसके बाद आते हैं स्ट्रिंगर। ये समाचार पत्र के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते, अक्सर गाँव, देहात व कस्बे की खबरें कवर करते हैं और खबरों के प्रकाशन के हिसाब से ही इन्हें पैसे का भुगतान किया जाता है। ये न्यूज़पेपर के लिए इन्फॉर्मर का काम भी करते हैं और कई बार बड़ी बड़ी खबरें भी ब्रेक करते हैं। कहते हैं एक फोटोग्राफ 2000 शब्दों के बराबर होता है। यही वजह है कि ब्यूरो ऑफिस में फोटो जर्नलिस्ट की भूमिका भी काफ़ी अहम रहती है। शहर में होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को वह अपने कैमरे में कैद करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्यूरो ऑफिस में रिपोर्टिंग टीम दिन भर काम करती है और हर सुबह एक नया अखबार हमारे हाथ में होता है। सचमुच पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहां रिपोर्टर को हर रोज परीक्षा देनी होती है। कभी वह हीरो होता है तो कभी बाजी हाथ से निकल जाती है। लेकिन एक सच्चा, निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकार हमेशा हम सबका हीरो होता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।